तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मैं जो माइक है वो नहीं लगाया हूँ, ठीक है। तो माइक को करते हैं इंस्टॉल, तब जाके वीडियो और बढ़िया बनेगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें अपना जो ये पीछे गाड़ी देख रहे हो, ठीक है, क्रिएटर नहीं, ये जो अपना गाड़ी है, ठीक है, स्विफ्ट डिज़ायर VXI, इसका जो इंजन ऑयल है वो चेंज करेंगे एंड कौन सा ऑयल डालेंगे, क्या करेंगे, वो पूरा प्रोसेस। इंजन ऑयल में कौन सा वाला लाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ये इंजन ऑयल नहीं है, ओके, ये है गियर बॉक्स ऑयल, ऑटो गियर, एक्सीलेंट गियर प्रोटेक्शन, मतलब ये स्विफ्ट डिज़ायर में 2.5 लीटर लगता है, मैं 3 लीटर लिया हूँ लगभग। प्राइस देख सकते हो कितना करके लिया, ये ऑलरेडी मैं डाला नहीं हूँ, ये बाकी है। इंजन ऑयल भी डालेंगे, इंजन ऑयल उधर कोने में रखा है। तो ये है इंजन ऑयल, ओके। तो फ्रेंड्स, मोबिल सुपर 300 इसका इंजन ऑयल डाला हूँ एंड 5W30, एक्चुअली 5W40 डाल दिया मैं, ऑल इन वन प्रोटेक्शन। एक्चुअली ये फुल सिंथेटिक ऑयल है, स्विफ्ट डिज़ायर के लिए आपको 1000-1200 में भी इंजन ऑयल मिल जाएगा। कैस्ट्रोल का बहुत सारा डुप्लीकेसी है, लेकिन भैया मेरे को बोले, यादव भैया, कि ये बेस्ट है, ओके। एंड मैं भी रिव्यू देख के चेक किया, ये इंजन ऑयल बहुत सही है। 3.5 लीटर है फ्रेंड्स, देख सकते हो, एंड इसके अंदर 150 रुपीज़ की मिनिमम कैशबैक आपको मिलेगा, ओके। एंड प्रोटेक्शन इन स्टॉप एंड गो ट्रैफिक सूटेबल फॉर पेट्रोल एंड डीजल इंजन, मतलब पेट्रोल डीजल दोनों इंजन में ये यूज़ कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये है कुछ इसका पीछे का परफॉर्मेंस का, जो मतलब लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, प्राइस रिलेटेड ये मैं दिखा देता हूँ। वेस्ट बंगाल में इसका जो दाम है अभी का सिचुएशन है वो है 2175 रुपीज़। यादव भैया मेरे को डिस्काउंट देके इसका दाम जो आया है वो है लगभग 1900 रुपीज़, ओके। एंड इसको अभी डालेंगे एंड इसके अंदर मेरे को जो मिला है वो है 150 रुपये का कूपन। तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो इंट्रो जो है वो मैं पहले रिकॉर्डिंग कर, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो, इंजन ऑयल ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये वाला इंजन ऑयल खाली है एंड फुल्ली सिंथेटिक मास्टर्ड ऑयल जैसा कलर था। वीडियो चलिए शुरू करते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज एक्चुअली मेरा जो स्विफ्ट डिज़ायर VXI है उसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हो मेरा गाड़ी, ओके, जो कि पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का। तो ये है फ्रेंड्स एक्चुअली मेरा इंजन एंड इधर एमरॉन का बैटरी इंस्टॉल्ड है एंड बैटरी का मतलब जो होल्डिंग कैप है वो नहीं है, इसलिए ये ऐसा सिचुएशन में है। तो इसका जो एयर फिल्टर था इस सेक्शन में वो निकल चुका है, देख सकते हो। तो एक्चुअली बहुत सारे बच्चे भी ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बनाएंगे अच्छे से, ओके। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं मोबिलियो का इंजन ऑयल लेके आया था, पेट्रोल इंजन है, 3.5 लीटर का इंजन ऑयल लगेगा। मैं फुल सिंथेटिक लेके आया हूँ क्योंकि माइलेज मेरा थोड़ा कम मिल रहा है इस गाड़ी में। एंड ये है हाइड्रोलिक जैक जिसके मदद से इसको उठाएंगे गाड़ी को अभी। तो इसका जो पोजीशन है फ्रेंड्स, इस नीचे जहाँ पे आप टायर चेंज करने के लिए लगाते हो वहीं पे लगा के उठाएंगे। एंड ये जो गैरेज है फ्रेंड्स, देख सकते हो, अजोदा का गैरेज है जो कि इंदा न्यू टाउन खड़गपुर में है, सबसे बेस्ट है, ओके। सबको ही पता है कि इसका लोकेशन क्या है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन बाद में डाल लूँगा, ठीक है, मेरे घर के आसपास में ही है। तो ये अभी नीचे होगा इसका काम, नीचे जो ड्रेन बोल्ट है वो, भाई पहले क्या फिल्टर ओपन करोगे या ड्रेन बोल्ट? ओके, अब बाइक के जैसा ही है। तो वो हम देखें, आपको एक्सटेंशन और ये चाहिए, अदरवाइज होगा नहीं इसमें काम। तो ओके, ऐसे नीचे घर पे करना फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपको शो मतलब ऑथराइज्ड डीलर या गैरेज में आके ही काम करना पड़ेगा। ये देख सकते हो, पुराना ऑयल पूरा ख़राब हो चुका है। अच्छा, फ्लशिंग करने से अच्छा होता ना भाई? नहीं, ज़रूरत नहीं है, नहीं। ओके, देख सकते हो इधर नीचे एक पॉट है, उसके अंदर इंजन ऑयल आ रहा है ऊपर से, ओके। तो इधर फ्रेंड्स मोबिल फिल्टर भी है, ऑयल फिल्टर, वो भी मैं लेके आया हूँ, वो भी चेंज करेंगे एंड एयर फिल्टर भी है वो भी चेंज कर देंगे। तो ये है कुछ इसका मोबिल का कंडीशन, मोबिल शायद कम निकला है, देखना पड़ेगा। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा गाड़ी का जो ड्रिवन किलोमीटर है 50,000 है ऑलरेडी एंड मैं 10,000 के अंदर ही चेंज कर रहा हूँ इंजन ऑयल,
इस बार फुल सिंथेटिक मारेंगे तब जाके माइलेज शायद थोड़ा बहुत सही मिलेगा। ओके एंड इस अभी विंटर चल रहा है, इसके बाद समर आएगा तो समर तक खींच देगा ये इंजन ऑयल ईजिली। एंड देख सकते हो ऐसा है कुछ सिनेरियो, इधर से पता नहीं क्या ऑयल का लीकेज हो रहा है, ये मेरे को चेक करवाना पड़ेगा, शायद क्लच ऑयल या गियर ऑयल लीक हो रहा है। ठीक है तो ये जो टूल है फ्रेंड्स, इसके मदद से आप जो मोबिल फिल्टर है उसको खोल सकते हो इजीली। तो ये एक्सटेंशन की मदद से मोबिल फिल्टर ओपन हो रहा है एंड मोबिल फिल्टर खोल जब आप खोलेंगे तब डेफिनेटली बहुत सारा ऑयल और जो रिमेनिंग है वो भी निकल आएगा। गाड़ी को थोड़ा थोड़ा चला के लेके आते तो अच्छा होता। इंजन मोबिल इंजन गर्म नहीं हुआ ना ऑयल? ना ठंडा है, गर्म होता तो अच्छा होता ना। तो अभी देख सकते हो आप थोड़ा और निकल के आ रहा है, ज़्यादा सारे मोबिल निकल गया। ठीक है अंदर का तो ये है जो पुराना वाला मोबिल ऑयल इंजन ऑयल। भाई मोबिल की टू कम भी नहीं है, इंजन ऑयल को डाल सकते हो ठीक है, टॉप अप कर सकते हो इसको खोल के ठीक है। बट इधर एक मतलब डेप्थ ट्यूब रहता है जिसको देख के आप चेक कर सकते हो, वो है ये। ओके इंजन ऑयल चेकिंग वाला मतलब चेक करने के लिए ये रहता है, तो इसको अंदर हर गाड़ी के सामने ही ऐसे लगा रहता है एंड इधर से आप इंजन ऑयल को टॉप अप कर सकते हो। मैंने अभी भी इंजन ऑयल ड्रेनिंग हो रहा है ऑलरेडी, थोड़ा टाइम लेंगे, धीरे धीरे पूरा इंजन ऑयल निकलेगा तब जाके काम करेंगे, न्यू इंजन ऑयल टॉप अप करेंगे। तो इंजन ऑयल मैं आप लोगों को दिखाया नहीं, दिखा देता हूँ। भाई निकाल दो, मैं फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल लेके आया था एंड ये है, ये बेस्ट है ना मोबिलियो का 5W40 लेके आया, एक्चुअली 30 बोला था 40 दे दिया, तो 5W40 फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल। एंड फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है लगभग मेरे से लिया है 1900 का आसपास एंड इसके अंदर कूपन मिलेगा वो भी माइनस कर देंगे, ज़्यादा भैया को जाके दे देंगे ठीक है। एंड मोबिल फिल्टर एयर फिल्टर सब लेके आया हूँ, तब जाके गाड़ी का माइलेज शायद थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, बाकी इसके बाद अगर माइलेज चाहिए तो अब जाके गाड़ी चेंज करना पड़ेगा डीजल। ये अभी एयर फिल्टर इंस्टॉलेशन हो रहा है तो जो बेसिक चेकिंग रहता है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है ठीक है, ज़्यादा तो नहीं गिर रहा। तो फ्रेंड्स ये जो ड्रेन बोल्ट है ना फ्रेंड्स, इसमें एक बेंजो वाशर रहता है एंड इसी के साथ एक पेस्ट भी भाई दिया है ठीक है, जिसके साथ लीकेज नहीं होगा। ये एयरलाइट नहीं, एक्चुअली इस एक सीलेंट लगाते हैं ठीक है, जिसके मदद से क्या होता है कि लीकेज होने का चांसेस बहुत कम रहता है। एंड ये फ्रेंड्स देख सकते हो न्यू ऑयल फिल्टर, इसके अंदर एक ऑयल फिल्टर है। तो एक हाथ से वीडियो बनाना मुश्किल है, खुद ही है तो मैं अकेला ही हर टाइप का वीडियो बनाता हूँ ठीक है, मेरे साथ कोई है नहीं। तो ये है एक्चुअली ऑयल फिल्टर, पकड़ो। तो ये लोग मेरा वीडियो देखते हैं ठीक है, मैं छोटा छोटा सब्सक्राइबर्स क्या है बोलो, ये पता नहीं ना, ये एक्चुअली गाड़ी का एक कंपोनेंट है, जेन्युइन ऑयल फिल्टर सुजुकी मेड इन इंडिया, ये बेस्ट है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स अभी ड्रेन बोल्ट मतलब ड्रेन बोल्ट तो इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी ऑयल फिल्टर इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो ये देख सकते हो जहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा है ठीक उसके पास में ही देख सकते हो, उधर है बेंजो बोल्ट एंड इधर है ऑयल सम्प। ओके मैकेनिकल टर्म्स है एंड इधर आप देख सकते हो स्प्रिंग की मदद से। तो अभी करेंगे इसको टाइट एक्चुअली ऑयल फिल्टर को बराबर से एकदम, इसको कितना टाइट मारना है, फुल टाइट हो गया फुल टाइट। ओके और वो भी बोल्ट भी हो गया, चलो एक बार खाली न्यू ऑयल डालना है। तो फ्रेंड्स अभी एक्चुअली न्यू ऑयल टॉप अप करेंगे भाई मेरे, तो चलो करते हैं न्यू ऑयल टॉप अप। तो ऑयल इधर से ही टॉप अप होगा, तो ये एक्चुअली पुराना ऑयल का क्वालिटी है, इसको भी दिखाना है। तो ऐसा है कुछ पुराना ऑयल,
बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये है पुराना ऑयल फिल्टर, ऑयल वाला भी आ गया। ठीक है, एक्चुअली इधर मेन जो है इनका ओनर वो आ गए हैं। तो चलिए अभी इंजन ऑयल टॉप अप होगा, फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल फुल्ली। इसका जो है कूपन छोड़ के बाकी सब डाल देंगे अंदर। कूपन तो अंदर है ना इसका, और इसके ऊपर ना कूपन कहाँ है, है नहीं ये तो ऊपर। तो ये है कुछ ऑयल का कलर, देख सकते हो मस्टर्ड ऑयल जैसा है कलर। सोसा तेल ना दिए रहेंगे तो अच्छा। मिनरल ऑयल की कलर अलग है, एक टू मोटा है ना। फुल सिंथेटिक ऑयल देख सकते हो, कलर जो है मस्टर्ड ऑयल जैसा है। इसका जो इंजन ऑयल है पूरा हम लोग डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके क्योंकि फुल सिंथेटिक है। तो हो गया है टॉप अप कंप्लीट, अभी एक बार चेकिंग होगा क्या डेप्थ स्टिक बोल रहे ना, ठीक है। देख सकते हो ऑयल लेवल तो इसके बीच में होना चाहिए या इतना तक होना चाहिए, तो ज़्यादा ही होना चाहिए। अभी तो पूरा ऑयल खाली हो चुका है, बाकी हर जगह लुब्रिकेटिंग होने के बाद वो जो दो मतलब डॉट है, दो डॉट के बीच में या दो डॉट के पास, ऊपर वाला डॉट के पास होना चाहिए। एंड ये ऑयल अभी और थोड़ा सा ही है, वो भी डाल देते हैं इसके अंदर। काजे तो लगे ना ढेरे दी फुल सिंथेटिक আছে, মানে 1200 টাকা তো ছিল, আমি মালটা 2000 টাকা মালটা নিয়ে এসেছি ইচ্ছা করে। তো যদি ये है, चलो हो गया, हो गया। एक्चुअली मैं पूरा वसूल करूंगा इसको, इसीलिए इसको एकदम साफ वाफ करके लगाना है। बाकी वीडियो देखोगे जरूर, तो देखना है ना। नाम बोल दो तुम दोनों का, और सुभाजीत जाना, दो मेरा छोटे छोटा सब्सक्राइबर्स। बस हो चुका है फ्रेंड्स, इंजन ऑयल मतलब चेंज हो चुका है कंप्लीट। एंड ऐसे होता है इंजन ऑयल चेंज, एकदम आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर एक्चुअली कूपन रहेगा मिनिमम 150 रुपीज़ का, देखते हैं कि है या नहीं, अगर नहीं है तो ये धोखा है ना। बढ़िया है, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो कूपन, इसको ज़्यादा भैया को दे के पैसा लेना है ज़रूर, ठीक है। अगर नहीं देगा तो आप फ़ोन कर सकते हो कंप्लेंट करने के लिए। नीचे नंबर दिया गया है, आएगा अरे वीडियो आने में टाइम लगेगा। फ्रेंड्स काम हो चुका है कंप्लीट, एक्चुअली इंजन ऑयल चेंज हो चुका है एंड पुराना जो एयर फिल्टर था वही लगाया है साफ करके। बाकी क्लच का जो प्रॉब्लम है वो चेक करवाना है, ठीक है। ये वाला पार्ट करते हैं ख़त्म, क्लच वाला पार्ट बाद में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए ये जो है गियरबॉक्स ऑयल ये भी डालूंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। तो ये जो मेरा गाड़ी है वो मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ, 2011 मॉडल स्विफ्ट डिज़ायर VXI, ओके। तो ठीक ठाक ही है गाड़ी, एंड पावर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस गाड़ी में। आपको प्रॉब्लम एक ही हो सकता है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो फॉग लाइट पे आएगा, फॉग लाइट भी बोस का ख़रीदा हूँ, वो भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो सीनेरियो, अभी टाइम जो हुआ है वो है 7:30 बज चुका है सुबह। ये देख सकते हो सूरज देवता एकदम ऊपर है। तो करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को इधर ही ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, आपका चॉइस है।